क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पे आपके सामने वैल्यूज लिखी हुई है, यानी ऑलमोस्ट इन सवालों में आपने क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंट क्या चीज है, ये जो पहले सादा वैल्यूज थी अभी इसके रूट लगा के यानी जजर लिख के तो फर्क कर दिया गया सवालों को, तो इस सूरत में आपको पता होना चाहिए आपका फर्स्ट स्टेप सिंप्लीफिकेशन में क्या होगा, कि आपने तरफैन का जो वो मुरबा लेना होता है वो आप क्यों लेते हो, कि जजर मुरबा आपस में जो वो कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे आप लिखोगे मुरबा लेने से ठीक है 5x जमा 9 का मुरबा लिया और स्केयर रूट पहले से आ रहा है और बराबर ये दूसरी तरफ जाके है एन, सॉरी ये एन है, n-1 है, इसका आपने मुरबा ले लिया, तो ये तो जजर मुरबा कैंसिल हो गया, बाकी सिर्फ आपके पास बच गया 5x9, यानी वो सिंप्लीफिकेशन की गई, यानी सादा शक्ल को बनाया गया, कॉम्प्लिकेटेड थी तो यहाँ पे h-1 को आपने कितनी दफा जरब देनी होती है, मुरबा है तो इसका मतलब ये 2 दफा जरब खाती जो कि अलजबरी जरब होती है, तो एन की 2 1 और 1 जमा होकर 2 हो जाती है, और ये जमा माइनस माइनस यानी यहाँ पे जमा जमा माइनस माइनस एन है, फिर यहाँ से ये जमा का होता है जमा माइनस माइनस एन है और माइनस माइनस प्लस हो जाता है 1 है, तो एन की 2 और ये अधी सार क्योंकि जमा हो जाएंगे 1 और 1 जमा होके 2 एन हो जाते हैं जमा 1 है, तो यहाँ पे आंसर आएगा एन की 2 2 एन है और जमा 1 है, ये आपका जरब देने के बाद जब वो आंसर आता है। अब आपने सिंप्लीफिकेशन देखनी है, ये यहाँ पे एन है सॉरी, क्योंकि अब यहाँ पे मुतगैर जब वो तब्दील है, पहले एक्स वाई की शक्ल में आ रहा था यहाँ पे एन की शक्ल में आ रहा है, यानी उसको मुतगैर को भी यहाँ पे तब्दील कर दिया गया है, तो अभी आप सिंप्लीफिकेशन देखें एन की 2 अपनी जगह है, दूसरी तरफ से ये आ रहा है प्लस है तो ये दूसरी तरफ आके माइनस माइनस 5 एन हो जाएगा, तरतीब आपने सारी बात आपको पता है खुद ही देनी, ये आपको स्टेप पहले भी बता दिए गए, तो ये प्लस 1 पहले से यहाँ पे मौजूद है, दूसरी तरफ से 9 आ रहा है तो दूसरी तरफ पे 0 बचेगा ना, तो ये अब सिंप्लीफिकेशन क्या होगी, ये दूसरी तरफ आके अलामतें तब्दील करके लिख दी गई है, तो एन की 2 ठीक है 5 एन में से 2 एन गया तो बाकी आपके पास कितना बचेगा 3 एन, और ये माइनस क्या और ये जमा का 1 है तो 8 जो वो बाकी बचेगा, तो यहाँ पे आपके पास सिंप्लीफिकेशन के बाद क्या बचता है एन की 2 जमा 3 एन और 8 जो वो बचता है, तो यहाँ पे अब क्योंकि 0 आपने इस तरफ लिखना होता है, इनको आपने इस तरफ लिख देना है जमा 3 एन है और जमा 8 है दूसरी तरफ 0, तो अब ऐसी कौन सी दो बाहर वाली वैल्यूज को जरब दें तो वो 8 होती है, तो ऐसे कौन से दो इंच है जिनको जरब दें तो वो 8 हो, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये इस तरफ जमा का था ना, दूसरी तरफ आके ये क्या होता है माइनस का होता है ठीक है, तो जाहिर बात है ये दोनों माइनस के हैं तो जाहिर बात है ये जमा होके कितने हो जाते हैं 7 हो जाते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा -7, यानी ये जो आपकी वैल्यूज है इसमें क्या आएगा -7 n जमा 8 है बराबर 0, तो ऐसे दो इनसे 8 के लिए 7 और 1 ही होते हैं, यानी 7 1 को आप जरब देंगे तो 7 1 को जरब देंगे तो 7 होगा और 7 1 को जमा कर दें तो वो क्या होता है 8, यानी आपकी दोनों वैल्यूज जो वो कंप्लीट होती हैं, सॉरी आपको यहाँ पे पॉइंट उलट बोल दिया है, 7 नहीं बल्कि 8 ऐसा हिंसा है जिसको, क्योंकि बाहर वाली वैल्यूज को जब जरब दिया तो वो 8 होता है ना, तो 8 है तो 8 के लिए आपने ऐसे दो हिंसे जिनको जरब दे वो 8 और 1 ही होगा, यानी 8 1 बार 8 होगा और 8 में से 1 बाहर गया तो फिर आपके पास 7 जो वो बचता है, तो फिर आपका ये सवाल जो वो कम्प्लीट होता है या फार्मूले का जो एक तरीका है वो कम्प्लीट होता है, वो एन की 2 यहाँ पे आपके 8 एन ठीक है और 1 एन आएगा जो कि जमा का होगा ठीक है और जमा 8 है बराबर 0, सॉरी यहाँ पे भी मिस्टेक है, सॉरी यहाँ पे अगर आप गौर करें यहाँ पे माइनस है आपके सामने लिखा हुआ है, सॉरी गलती हो जाती है लिखते हुए, तो यहाँ पे माइनस है तो 1 जमा का गया तो फिर यहाँ पे जमा के 8 थोड़ी बचेंगे, यहाँ पे -8 बचते हैं, होप आपने ये पॉइंट वाले देख लिया, यहाँ पे -8 आता है, तो यहाँ पे जरूर बात है यहाँ पे क्या होगा -8 होगा, यहाँ पे -8 है, तो अब यहाँ पे आपने देखा इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आती है, यानी जब ये आप इनसे सोच रहे होते हैं तब आपने अलामतों को भी देखना होता है कि किसके साथ कौन सी अलामत आएगी, यानी बड़ी जो यहाँ पे अलामत होती है वही आपकी कहाँ होती है आपकी बड़ी वैल्यू के साथ होती है, यहाँ पे माइनस होगी तो यहाँ पे इसका मतलब इसके साथ प्लस होगा, तो -8 में से जमा का 1 गया फिर ही ये बचेगा ना, फिर ही आपका ये -7 वाला हिस्सा जो वो कम्प्लीट होता है, यानी माइनस और ये जमा 1 को जब जरूर देंगे तो -8 जो वो आंसर आता है और साथ में एक्स सॉरी एन एक्स नहीं यहाँ पे एन
वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है, एन होगा। ठीक है, होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया हो, क्योंकि ये मेथड पहले भी काफी दफा मैंने ये तरीका बोला है, तो अगर आप वहां से भी सीखा हुआ है तो आप यहाँ पे खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एन इन एन और एन माइनस, क्योंकि एक एन बाहर गया तो एक एन बचा, और एन 8 एन में से एन एक बाहर गया तो अंदर से को 8 बचेगा। तो यहाँ पे क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता, यानी ना तो वेरिएबल आ सकता है और ना ही आपका कोई रकम या पहाड़ आ सकता है, तो इस सूरत में सिर्फ आप एक कॉमन लेते हैं एन माइनस, वही यानी एक पे जरब खा के या डिवाइड होके वही शक्ल जो बन जाती है। तो यहाँ पे जो एक जैसी शक्ल है यानी वो एन माइनस 8 है, इसको कॉमन ले लिया तो यहाँ पे एन बचा, यानी ये बाहर तो एन बचा, ये सारी बाहर तो जमा एक आपके पास बचा, तो आप इन दोनों को 0 के बराबर रख सकते हैं एन की कीमत निकालने के लिए। तो ये दूसरी तरफ माइनस है जमा हो जाएगा और ये माइनस 1 हो जाएगा। सॉरी आपको यहाँ पे पॉइंट नजर नहीं आए होंगे, तो यानी दूसरी तरफ तो 0 ही है, यही चीज है यहाँ पे सारी दूसरी तरफ जो 0 ही आ रहा है, तो आपको यानी देखे बगैर भी पता चल गया होगा कि यहाँ पे 0 0 आता है। तो 0 जब यहाँ पे इक्वल है तो अभी आपको ये नजर आ रहा होगा, तो एक्स की कीमत सॉरी एन की कीमत आपने निकालनी है, तो ये माइनस है दूसरी तरफ जाके जमा की हो जाती है, यहाँ पे जमा किया तो दूसरी तरफ जाके ये माइनस की हो जाएगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 है, तो इसमें वैल्यूज आपको दी हुई है, तो इसको सिंप्लीफिकेशन के लिए पहले तो थोड़ा सा इसको तरतीब देनी पड़ेगी। अब ये जो दो दो अब दो वैल्यूज पे आ रहे हैं जजर, ठीक है, पिछले सवालों में एक वैल्यू पर था, अब दो वैल्यूज के साथ आ रहा है, तो अब इसकी सिंप्लीफिकेशन में जारी बात है अगर आप जजर को खत्म करने के लिए मुरब्बा लेते भी है ना, तो दो शक्लों की सूरत में जारी बात का आपका काफी सवाल जो है वो बड़ा सोल्यूशन में या सिंप्लीफिकेशन में हो सकता है, तो उस चीज से बचने के लिए आप इस वाले वैल्यू को जो है दूसरी तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो 2x माइनस 1 का जदर तो इधर ही रहने के, एक जदर हम दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं, तो और ये माइनस का दूसरी तरफ जाके ये प्लस का हो जाता है, तो एक्स माइनस 4, तो 2 + x - 4 है, इस वाली वैल्यू का आपने क्या करना है, मुरब्बा लेना है, तो फैन का मुरब्बा लेने से या टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, ये आपने लफ्ज लिखने अपने मीडियम के हिसाब से, अगर आप उर्दू मीडियम मुरब्बे वाला लिखोगे तो इंग्लिश हो तो इंग्लिश का आप लिखोगे, तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इनका जो मुरब्बा लेना है, मुरब्बा लेके देन आपने, अब इसका सिंप्लीफिकेशन में ये हो सकता है कि इसका जो मुरब्बा तो कैंसिल हो गया, तो ये सिर्फ 2x - 1 ही बचा है। अब इस वाली वैल्यू में जारी बात है फर्क के वैल्यू, यानी यहाँ पे समझिए ये ए है और ये आपकी बी है, ठीक है, तो ये ए बी होने की सूरत में क्या होगा, आपने कुलिये के हिसाब से जो है जो आपके पास है मेन जो पहला फार्मूला होता है आपका, पहले का मुरब्बा जमा दूसरी का जमा 2ab, ठीक है, ये आपका कुलिया होता है, तो इसमें आपने क्या करना है, पहले का मुरब्बा जमा दूसरी का कुलिये के हिसाब से पहले का मुरब्बा जमा दूसरी का मुरब्बा, ठीक है, ब्रैकेट से शो कर दें, तो ये जमा का तो जमा आएगा 2 कुलिये का जो कि फिक्स नंबर है आपका, इंटू पहली रकम 2 है, इंटू x - 4 है इसका जजर होगा, ठीक है, ये आपकी फार्मूले की शक्ल जो है वो लिखी गई है, तो आप सिंप्लीफिकेशन में इनके स्केयर वगैरह जो खत्म कर दें ये खत्म हो जाएगा, और ये 2 2 4 हो जाता है, तो ये तो स्केयर रूट खत्म होने के बाद ब्रैकेट के अंदर ये रह जाएगा, इंटू 2 2 बार 4 इंटू फिर से ये स्केयर जो है वो बच रहा है, ठीक है, क्योंकि कुलिये के हिसाब से इतना वैल्यू, तो ये मजीद जब फार्मूले की जब शक्ल लिखी गई देन इसके अंदर फिर से स्केयर रूट जो है वो बन गया, इसका मतलब जब मजीद आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको दोबारा से इसका मुरब्बा जो है वो लेना पड़ेगा, ठीक है, तो अब इनकी आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि जो पीछे आपकी वैल्यूज है आपके बुक पे साथ साथ नोटबुक पे साथ साथ लिखा करें, आपको पता चलता जाएगा, पिछले स्टेप का ये होता है कि 2x - 1 है, ठीक है, जो कि दूसरी तरफ था, बराबर आपके पास 4 है प्लस एक्स माइनस 4 है और इंटू 4 और इसके अंदर एक्स माइनस 4, ये आपके पीछे स्टेप है वही लिखा है, अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करें, ये सादा वैल्यूज ये तो आपस में कैंसिल हो गया, यानी एक जमा का चार एक माइनस का चार आपस में कैंसिल हो गया, तो बाकी बचे आपके पास यहाँ पे x है, तो इसको दूसरी तरफ ले जाए, यानी x उस तरफ है, तो ये माइनस का x हो जाएगा, माइनस 1 है, बराबर ये 4 बचा इंटू एक्स जमा सॉरी माइनस है यहाँ पे x माइनस 4 बचा, तो सिंप्लीफिकेशन में मजीद ये हो सकता है कि ये 2 कोफिशंट है, एक निकाल लें तो बाकी आपके पास x बचेगा माइनस 1 है,
अब दोबारा से फिर वही स्टेप बन गया आपका। वजह क्योंकि दो स्केल रूट थे, तो सारी बात एक स्केल रूट तो पीछे खत्म हो गया, अभी एक रह गया। अभी आप इसका लिखोगे दोबारा से तो ये वाली वैल्यू जो अब आ गई 4 × x − 4 है। तो इसमें आपने क्या करना है, दोबारा से इनका मुरब्बा लेने से वही अमल जो पीछे किया सेम अमल अब यहाँ पे होगा। ठीक है, तो स्केल रूट होने की वजह से दो दफा ये अमल हो रहा है। तो अब ये भी हो सकता है कि किसी में हो तो यहाँ पे दो दफा आपको लेना नहीं पड़ेगा, लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि दो दफा आ रहा है तो इस वाले सवाल में तो ये मेथड है। तो बाकी अगर किसी और सवाल में जिसमें जो आपके ये छोड़े अगर उनमें कोई मसला होता है तो आप प्लीज लिखना, मैं आपके लिए कमेंट पढ़ने के बाद सारी बातें आपके लिए वीडियो जो है वो बना दूंगी। तो यहाँ पे आप सिंप्लीफिकेशन में दोबारा आपने मुरब्बा लेना है। ठीक है, मुरब्बा लेना है तो कुलिया फिर से वही है जो आपका पहले था, तो एक्स। ठीक है, जिधर मुरब्बा ले लिया तो इस वाले का क्या होगा, x − 1 है 4 × तो ये मुरब्बा है। ठीक है, इसका मुरब्बा आप यहाँ पे खोल सकते हैं, x − 1 को आपने कितनी दफा जरूर देनी है, दो दफा, तो x·2 − x है − x है −−1 है, तो x·2 − 1 और 1 जमा के 2x − 1। इसका आंसर यहाँ पे क्या आएगा, x·2 − 2x है और ये 1 है। ठीक है, माइनस जो कि प्लस है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो बराबर ये जिधर मुरब्बा इसका तो कैंसिल हो गया। अब क्योंकि इसका भी अलग से होगा, ठीक है, तो 4 का 2 दफा मुरब्बा खोलेंगे तो 4 × 4 = 16 × x − 4 है। ठीक है, अब इसकी मजीद आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है। सिंप्लीफिकेशन से मुराद मजीद कहीं पे कोई कट हो रहा है, जरब हो रहा है, तो ये जरब हो रहा है आपस में, तो 16x है और 16 को 4 से आप जरब देंगे तो आपके पास 64 आता है, 64 आएगा जरब देने के बाद, क्योंकि ब्रैकेट के बाद ये वाली वैल्यू जो होती है वो जरब की जरब को जाहिर करती है। अब आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है इसकी, कि इनको एक्स एक्स वाली को इकट्ठा कर लेंगे, 2x है, ये जमा का होगा दूसरी तरफ आके ये माइनस का एक्स हो जाता है, ये जमा का एक इधर पहले से है तो ये दूसरी तरफ से आके जमा का 64 हो जाएगा और दूसरी तरफ आपके पास 0 बचता है। यानी यहाँ से फिर पिछला स्टेप है एक तरह से, ये जो आपने पिछले सवालों में सीखा है तो सेम अमल आपका यहाँ पे स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे x³ बचा, ठीक है, और ये 16 में से 2, ये दोनों क्योंकि माइनस के हैं तो उसका मतलब ये माइनस कितने हो जाते हैं, −18। ठीक है, और ये 64 और ये प्लस होके कितने हो जाते हैं, 65। अब यहाँ से आपने क्या करना है, बाहर वाली वैल्यूज को आपने क्या करना होता है, जरूर देनी होती है, बाहर वाली वैल्यूज को जरूर देनी होती है और अंदर वाली को पूरा करना है। 65 में आप देख लें क्या, क्योंकि बाहर वाली को जब जरूर दिया तो 65 है, ऐसे कौन से दो इनसे जिनको जरूरत है तो 65 बार जमा मनफी करें तो 8 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू थी आपकी यहाँ पे x² − 18 + 60 जो कि सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आपका ये स्टेप बनता है। तो अब आपने क्या करना है, बाहर वाली वैल्यूज को जब जरूरत है तो 60 बार इनके के साथ में जमा है तो इसका मतलब 65 और एक्स का मुरब्बा आता है, तो ऐसे कौन से दो से वो 15 और 15 = 3 है। ठीक है, अगर जरूर देते हैं तो ये 65 होता है, तो दोनों के साथ अलामतें क्या होनी चाहिए, माइनस, और अलजबरे के हिसाब से दोनों के साथ माइनस हो तो वैल्यू क्या होती है, जमा, जो कि −18 हो जाती है। ठीक है, यानी आपकी अलामतों को भी पूरा करती है, और ये जब जरूर देंगे माइनस माइनस ये प्लस हो जाता है, और दोनों के साथ इसके साथ इसके साथ भी एक्स दोनों के साथ आएगा, 1 और 1 पावर जमा की कितनी हो जाएगी, x³। यानी 65 x² जो कि माइनस माइनस जरूर खा के प्लस हो जाता है, यानी दोनों कंडीशन आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, तो आपके ये फैक्टर जो है वो बन सकते हैं x²। ठीक है, तो यहाँ पे −13 और −15 दोनों के साथ एक्स एक्स भी आएगा 65। अब दोनों में से इसमें से क्या कॉमन आता है, इसमें क्या कॉमन आता है, ये आपने लिखना है, तो 13 तो नहीं आएगा एक्स क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्केयर है, ठीक है, यहाँ पे एक एक्स कॉमन आएगा तो एक एक्स बचा, माइनस ये 13 बचेगा क्योंकि एक्स बाहर चला गया। अब यहाँ से 15 कॉमन लिया जा सकता है, यानी 15 65 को डिवाइड करेगा तो एक्स है जमा माइनस माइनस हो जाता है, यानी अलामतें भी तब्दील होती है, जमा माइनस माइनस है, 65 को 15 ने 13 पे डिवाइड किया। ठीक है, जो कि आपके पास आंसर गया वो
जो कॉमन आ गए उनको आपने शुरू में लिखना है, 13 इसको कॉमन ले लें एक्स माइनस 13 को, फिर एक्स बचा पहले में से -15 आपके पास बचा। तो अब अगर आप नोट करें इन दोनों को आपने क्या करना है, वैल्यूज को एक्स 0 की के लिखा हुआ इसका मतलब आप दोनों वैल्यूज को 0 के बराबर रख सकते हैं। तो एक्स -15 होप आपको ये नजर आए, ठीक है। एक्स की वैल्यू यहाँ पे 3 होगी और ये जल बात है माइनस है दूसरी तरफ प्लस हो जाता है, प्लस में 0 में जमा होकर ये कितना हो जाएगा 3। इन्हें वापस आपको 0 लिखने की जरूरत नहीं होती है, या लिख भी दें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि 0 में कोई भी वैल्यू आप जमा करते हैं आंसर वो वैल्यू आती है, तो आपको 0 लिखने की जरूरत नहीं होती है। लिख भी देते हैं कोई इशू नहीं है, यानी जमा 0 करके चले लिख दिया तो फिर भी आपने ये 15 ही आंसर बनता है आपका। तो ये फाइनल आपके फैक्टर्स होंगी, सॉरी वैल्यूज होंगी एक्स की। अब नेक्स्ट ये वाला आपके पास इस तरह के 3 से 4 क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आपके लिए जो डिफरेंट है वो मैं आपके लिए हल कर रही हूँ, बाकी जो आपके लिए छोड़े होंगे आप प्लीज उनको खुद ट्राई कीजिएगा, यानी मेथड को सीखिए और आप प्रैक्टिस कीजिए तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ पे टेकिंग स्केयर रूट या फिर मुरब्बा लेने से, सॉरी स्केयर रूट नहीं कहेंगे, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, ठीक है, या फिर मुरब्बा लेने से, तो एक्स प्लस 1 है का मुरब्बा ऊपर जजर है और 3 का मुरब्बा। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन क्या हो सकती है, ये जजर मुरब्बा आपस में कैंसिल, ये आपको पता होना चाहिए, इकट्ठे एक साथ कभी नहीं रह सकते, इनको आपने कैंसिल कर देना। तो यहाँ पे आपके पास है एक्स जमा 1 है और 3 को आपने दो दफा जरूर दी, तो ये 9 होता है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन में अब ये हो सकता है कि एक्स की आपने क्योंकि कीमत मालूम करनी होती है, 9 इस तरफ का, ये दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये आपके पास आंसर क्या आएगा, एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 8, जो कि आपका फाइनल आंसर होगा। तो ईजी है और इस तरह के सवाल आपके ऑब्जेक्टिव में तो लाजमी आते हैं, ठीक है। अगर सब्जेक्टिव में भी आता है तो वो आपके दो जुज बन सकते हैं, यानी एक सवाल में जो है वो ए बी जुज जुज जो है वो दे दिया जाता है, यानी 4-4 नंबर डिवाइड होकर आपका जो है वो 8 का 8 नंबर का सवाल जो है वो कंप्लीट कर देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह के सवाल आप लाजमी कीजिएगा और इजी है, इतनी मुश्किल नहीं, आपने भी देखा होगा मेथड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है, ठीक है, 20 क्वेश्चन है, तो 20वां सवाल है। तो इसमें आपने ये आपका हमारी एक्सरसाइज का ये लास्ट सवाल है और सेम मेथड है जो अभी आपके सामने हल किया है, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है, दोनों साइड पे मुरब्बा लेना है, स्केयर लेना है, ठीक है। तो अब इसको आपने क्या करना है, इसका आपने मुरब्बा ओपन करना है, ये जैसे मुरब्बा ओपन में कैंसिल हो जाएगा, 3x जमा 4 है, ठीक है, 7-7 को जरूर दिया तो वो 49 होता है, ठीक है, 7-7 बार 49 होता है। तो 3x की अभी क्योंकि सिंप्लीफिकेशन होगी इसकी, ठीक है, इस सिंप्लीफिकेशन में ये हो सकता है अब ये एक्स के साथ जो वैल्यूज है वो दूसरी तरफ चली जाती है, अब 49 में से ये -4 गया तो ये आपके पास 45 बनता है, ठीक है। 3x है यानी एक्स इसके साथ जरूर खा रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या होगा, तकसीम होगा, ठीक है। 45 को 3 पे तकसीम किया तो 3 पर तकसीम करने से ये इसका आंसर क्या होगा, 3 पे जब आपने डिवाइड किया इसको, ठीक है, तो ये 15 पर डिवाइड होता है, यानी 3 1 बार 3 तो 1 हासिल आगे गया तो 15 बन गई, 3 5 बार 15, तो एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 15, जो कि आपका फाइनल आंसर होगा। होप आपको ये एक्सरसाइज आसान लगी हो और ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से सवाल आपके लाजमी आते हैं, तो प्लीज लाजमी प्रैक्टिस कीजिए। आपने जो 8 नंबर है आपके सवाल के जो कि एग्जाम में होते हैं तो उनको सिक्योर कीजिए, वो सारी बातें आप प्रैक्टिस ही मुमकिन हो सकता है, तो प्रैक्टिस कीजिए, बार बार कीजिए सवालों को, और टेस्ट लाजमी खुद अपना भी ले सकते हैं, यानी अपने तौर पर सारी बातें बगैर चीटिंग के जब लिखेंगे तो वो आपका एक टेस्ट ही होगा, या फिर कहीं आप ट्यूशन से लेते हैं तो आप वहां पर भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपके लिए मददगार साबित हुई हो, हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट हो तो अपने क्लास फेलोज के साथ, अगर आप यहाँ पे टीचर हो पेरेंट्स हो तो आगे प्लीज अपने स्टूडेंट के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जो इस वीडियो से फायदा उठा सके, बच्चों की हेल्प हो सके। तो प्लीज इलम की बात फैलाना नेकी है, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा और लाइक लाजमी कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।